हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार नई साउथ मूवीज की हिंदी वर्जन के बारे में जो आज आपको देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली नंबर की मूवी है थिमीरू पुडीचवन। थिमीरू पुडीचवन मूवी 2018 में आई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा वाली मूवी है, जिसके डायरेक्टर है गणेशा और प्रोड्यूसर है फातिमा विजय एंटोनी। और फ्रेंड्स, इस मूवी के अंदर विजय एंटोनी ने म्यूजिक कम्पोज किया था। और वहीं इस मूवी को 16 नवंबर 2018 में इसकी तमिल लैंग्वेज में सिनेमा घरों में रिलीज करवाया गया था। और फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी और 91% गूगल यूजर ने मूवी को लाइक भी किया था। बात करें फ्रेंड्स मूवी के स्टार कास्ट के, जिस मूवी के स्टार कास्ट में विजय एंटोनी, निवेथा पेदुराज, बॉक्सर धीरा एंड डेनियल बालाजी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें फ्रेंड्स मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर तो आज से एक साल पहले जी सिनेमा की टीवी चैनल पुलिस पावर नाम से हो चुका था। और फ्रेंड्स फाइनली अभी इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर भी हो गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये मूवी आपको यूट्यूब पर पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली हिंदी डब में। और इस मूवी को पुलिस पावर के नाम से ही यूट्यूब पर प्रीमियर किया गया है। आप जाकर इस मूवी को पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। नंबर दो पर मूवी आती है राउडी बॉयज। राउडी बॉयज मूवी 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की ड्रामा एक्शन वाली मूवी है, जिसके डायरेक्टर है श्री हर्षा कोनुकंटी और प्रोड्यूसर है दिल राजू। और फ्रेंड्स इस मूवी के अंदर देवश्री प्रसाद ने म्यूजिक कंपोज किया है। भाई इस मूवी के स्टार कास्ट में लीड रोल में देखने को मिलेंगे आशीष रेड्डी और अनुपमा परमेश्वरन। और फ्रेंड्स आशीष रेड्डी इस मूवी से अपना साउथ में डेब्यू करने जा रहे हैं, यानी कि फिल्मी करियर की उनकी पहली फिल्म होने वाली है। और फ्रेंड्स बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो इस मूवी को 14 जनवरी 2022 में, यानी कि आज संक्रांति के मौके पर इस मूवी को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। और फ्रेंड्स अभी मूवी केवल और केवल तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स आने वाले टाइम में इस मूवी के हिंदी डब वर्जन से कोई भी जुड़ी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नंबर तीसरे नंबर की मूवी है पुष्पा द राइज, यानी पुष्पा पार्ट 1। पुष्पा द राइज मूवी 2021 में रिलीज करवाई गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा वाली मूवी है, जिसके डायरेक्टर है आर्या सुकुमार और प्रोड्यूसर है नवीन यरनी और बाय रविशंकर। और फ्रेंड्स इस मूवी के अंदर देवश्री प्रसाद ने म्यूजिक कंपोज किया है। और भाई इस मूवी को 17 दिसंबर 2021 में थिएटर्स में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज रिलीज करवाया गया था। और फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी और 92% गूगल यूजर ने मूवी को लाइक भी किया है। और फ्रेंड्स बात करें मूवी के बजट और मूवी कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का बजट था 125 करोड़ रुपए और इस मूवी ने 326 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। और अभी मूवी रनिंग में चल रही है। और फ्रेंड्स बात करें मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फायदा फाजिल, राव रमेश, धनंजय और सुनील जैसे अन्य कलाकार देखने को मिलेंगे। अब बात करें फ्रेंड्स मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी डब वर्जन आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। आप जाकर इस मूवी को वहां पर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन में। नंबर चार और लास्ट मूवी आती है बंगा राजू। बंगा राजू मूवी 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की सुपर नेचुरल ड्रामा वाली फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है कल्याण कृष्णा कुरसला और प्रोड्यूसर है अक्किनेनी नागार्जुना। और फ्रेंड्स इस मूवी के अंदर अनूप रुबेन्स ने म्यूजिक कंपोज किया है। वहीं इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अक्किनेनी नागार्जुना, अक्किनेनी नागचेतन, नितिन शेट्टी और रामे कृष्णा। बात करें फ्रेंड्स मूवी के रिलीज के बारे में, तो इस मूवी को 14 जनवरी 2022 में, यानी कि आज संक्रांति के मौके पर सभी सिनेमाघरों में रिलीज करवाया जाएगा इसकी तेलुगु लैंग्वेज। और फ्रेंड्स बाद में मूवी आपको हिंदी वर्जन में जिस सिनेमा की टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में इस मूवी के हिंदी वर्जन से कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से नई मूवी के अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।